उद्धव जॉर्ज कुरियन नहीं, जिस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति में जॉर्ज कुरियन एक ऐसा चेहरा है केरल की राजनीति से जो लोकसभा चुनाव नहीं लड़े हैं ना जीते हैं, लेकिन राज्यसभा से उनको लाया जाएगा। जॉर्ज कुरियन के बारे में, वो माइनॉरिटी कमीशन के मेंबर थे पिछले फर्स्ट टेन्योर में, और उनके बारे में ये कहा जाता है कि केरल की राजनीति में बीजेपी के जितने नेता नहीं है उससे ज्यादा छिन्न भिन्न गुट है। जॉर्ज कुरियन की ये विशेषता रही है वो कि सारे गुटों से दूर रहे और अपने आप को तटस्थ रखा उन्होंने, और उसी का उनको फल मिल रहा है उनके पास। लेकिन बहुत बड़ी जिम्मेदारी है केरल में क्रिश्चियन कम्युनिटी को बीजेपी के साथ जोड़ना। केरल में एक हिंदू और क्रिश्चियन का मीटिंग ग्राउंड है पीएफआई, पीएफआई की जो गतिविधियां बड़ी है, कॉमन एनिमी इस्लामिक कट्टरवाद जो बड़ा है, और आपको याद होगा कुछ सालों पहले एक क्रिश्चियन प्रोफेसर का हाथ काट दिया था पीएफआई के एक वर्कर ने, तो उसको लेके लगता है कि वहां पे एक युति बन रही है बीजेपी की और इनसे क्रिश्चियन नेताओं की जो हु आर अफ्रेड ऑफ। उदय जी, इनकी एक खूबी है और भी है कि ये केंद्र सरकार में रहे नहीं, लेकिन केंद्र सरकार को बहुत करीब से देखा है। अटल जी की सरकार में जो ओ राजगोपाल मंत्री थे उनके ओएसडी थे ये। फिलहाल यहाँ एक छोटा सा ब्रेक दे रहे हैं, तुरंत लौटते हैं, इस पर और बात करेंगे।